बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की अहले सुबह भागलपुर नवगछिया पर्वत्ता थाना क्षेत्र विक्रमशिला पहुंच पथ जाह्नवी चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी में जा घुसा, जिससे झोपड़ी में सो रहे एक बच्चे एवं दो बच्चियां समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही पर्वत्ता थाना पुलिस को मिली, वैसे ही आसपास के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर ट्रक एवं तीनों बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया, जबकि दो बच्चे एवं उसके माता पिता बाल बाल बच गए। हालांकि तीन बच्चों के अलावा दो पशु की भी मौत ट्रक की चपेट में आने से हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे चाय नाश्ता की दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले चंद्रदेव मंडल पत्नी और पांच बच्चों के साथ घर में सोए हुए थे, तभी तेज रफ्तार में काल बनकर आई ट्रक उनके झोपड़ी में घुस गई, जिससे तीन बच्चे और दो पशु की मौत हो गई। घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा, जबकि आक्रोशित लोगों ने सब को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया और सरकार एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की। मृतक बच्चों में 14 वर्षीय सूरज कुमार, 11 वर्षीय चंदा कुमारी एवं 9 साल की पूजा कुमारी शामिल हैं। घटना के बाद से पूरे परिवार एवं आसपास में मातम का माहौल है। आप लोग कहाँ थे? तब सोए थे सब घर में। यहाँ पे क्या करते हैं आप? नहीं देख, दुकानी चला रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव मंडल, बरियाल हलपुर।